भाई सन 2019 में उसकी फाइट हुई थी लोगन पॉल के साथ, उसके या बाद मैं आई थिंक KSI की लाइक ट्वीट्स के नीचे ऐसी शिट पोस्ट कर रहा था, कुछ भी मीम हग रहा हूँ भाई, हाँ है ना, वो उसने नोटिस कर लिया, लाइक उसको पसंद आ गया एंड उसने ट्विटर पे मुझे मतलब डीएम कर दिया। KSI डीएम यू, KSI डीएम यू फर्स्ट डीएम्स ब्रो। वेट, तो तू उसके मीम्स बनाता था, मतलब उसके वीडियोस में से? भाई वो जो भी ट्वीट कर रहा है ना उसके नीचे मतलब मैं ऐसी रिप्लाईज डाल रहा हूँ ऐसी। पर क्या डालता था तू? शिट पोस्ट भाई, कुछ भी डाल रहा हूँ, गाली बिली डालता था नहीं, अरे भाई आयरोनिक लाइक कोई जोक मार दिया ऐसी, कुछ भी डाल रहा हूँ भाई, कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ टू द जोक जो मीम बन रहा है। हाँ थोड़ा मैं और पास मिलेगा उसके, हो गया सही भाई, मुंह में ही ले लूं। नो यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। अच्छा हाँ हाँ, मैं बार बार लाइक हिलाने की आदत है, कंफर्टेबल होगा ऐसा, ऐसा हाथ में ले तो ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा ठीक है ठीक है, हाथ में लेके थोड़ा और मजा आएगा। ठीक 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 ठीक, जस्ट लाइक होल्ड इट क्लोज व्हेन यू आर स्पीकिंग, दैट्स ऑल। कूल, ठीक है। हाँ सो यू वर शिट पोस्टिंग अंडर हिज। हाँ सो ही डीएमड मी एंड उसके बाद लाइक दो तीन हफ्ते तक तो कुछ बात हुई नहीं, मतलब उसने बस डीएम कर दिया ऐसे ही, मतलब आई थिंक इट द डीएम वाज आई रेट यू, आई रेट यू फॉर व्हाट यू आर पोस्टिंग, रेट। हाँ ठीक है, मतलब वहां पे ऐसे ही होता है, रेट यू मतलब आई, नहीं नहीं आई नो व्हाट इट मींस, मतलब यू के, मैंने कुछ और ही सुना था। अच्छा तुम कंफर्म है? ओके तो भाई वो वर्ड यूज नहीं कर सकते, अब 2023 चल रहा है। हाँ हाँ तो मैंने तो यूज नहीं किया ना वो। हाँ तो उसके बाद दो तीन हफ्ते तक तो कुछ बात नहीं, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग हिम आइडियाज, वीडियो आइडियाज कि इस पर वीडियो बना लो, इस पर वीडियो बना लो, एंड ही स्टार्टेड एक्चुअली लाइक टेकिंग दोज आइडियाज। फिर कुछ टाइम बाद मैं वीडियोस में हेल्प करने लग गया उसके लिए, लाइक बैच वगैरह बना दिए वीडियोस के लिए, क्यों लाइक वो कमेंट्री वीडियोस करता है ना, टेक्निकली रिएक्ट करता है, तो उसके लिए वीडियोस बनाने लग गया। आई थिंक आइडियाज देने लग गया कि इस आर्टिस्ट के साथ ट्राई नॉट टू लाफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एंड ही स्टार्टेड लाइक टेकिंग दोज आइडियाज। लाइक कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जिसमें लाइक मैं उसको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, लाइक ये बोल, ये बोल, नहीं आई वाज लाइक ट्राइंग, वो पे कर रहा था मेरे को, जो भी मैं वीडियोस के लिए हेल्प कर रहा था वो पे कर रहा था। ब्रो वो पास में लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोना साउंड लाइक यू आर स्पीकिंग फ्रॉम फार। भाई कितना वास, इतना वास। हां एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, ऐसे रख लेना। नहीं नहीं सही है, ठीक है, बस ऑन द रोड विल दैट बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू? नहीं ऐसे कर लूंगा, ठीक है, वो थक गया वो बोल रहा है भाई। द थिंग इज मैं ऐसे कर लूंगा बट लाइक धीरे धीरे वो नीचे चल जाएगा, तो तुम पॉइंट आउट करते रहना। या तो तुम पॉइंट आउट करते रहना। हां बस ओके, दैट्स योर जॉब, आई विल बी लाइक जस्ट होल्ड द साइन एंड या आई विल डू इट माय सेल्फ ब्रो, आई विल डू इट माय सेल्फ। या टप ले दे ऊपर ले। हां तो भाई वही वही चल रहा था, उसके बाद मैं उसके लिए हेल्प करता कि आई थिंक फर्स्ट टाइम ही पेड भी भाई, तू स्टैंड ही लगा ले यार, मां की छूत। अरे वो बहुत बहुत मेहनत होएगा, फिर से ही होएगा। अच्छा चल ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक वर्किंग हिम, वर्किंग फॉर हिम, टेक्निकली वर्किंग भाई क्या बोल दिया, वर्किंग फॉर हिम भाई, ये कट कर, अरे ये कट नहीं करेगा हराम का, ठीक है तो वर्किंग फॉर हिम, ठीक है। मुझे रिमेम्बर है मेरा पहला पेमेंट था 100 pounds व्हिच लाइक इज लाइक 8,000 10,000 तो उस टाइम था, अभी भी लाइक 9,000 से तो ऊपर ही है कन्वर्जन, तो लाइक 10,000 हो गए भाई। इसके बाद बात चालू हो गई, अब लाइक 2-3 साल हो चुके हैं, अब एट दिस पॉइंट लाइक उसको मेरे पे ट्रस्ट आ चुका है, अब वो अपने भाई अनरिलीज सॉन्ग्स भेज रहा है मुझे कि इस पे ओपिनियंस दो अपने भाई, बजा दे हमारे लिए। तो वो मतलब ऐसे कुछ सॉन्ग जो कभी रिलीज ही नहीं हुए उसके, लाइक यूके रैपर्स के साथ सॉन्ग्स हैं लाइक जो कभी मतलब आए नहीं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फीचर होता है, वो फीचर हट गया क्योंकि उसकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, ठीक है तो वो हट गया, लेकिन मेरे पास है वो सॉन्ग, मैं सुनता रहता हूँ अभी। आई वाज लाइक भाई तुमको ये कभी नसीब नहीं होगा, मैं सुन रहा हूँ लेकिन। तो ऐसी कर बात होनी लाइक चालू हो गई, 2-3 साल हो गए। फिर उसके बाद आई रिमेम्बर एक क्लिप्स का लाइक वेव स्टार्ट हो गई थी, लाइक जो बाहर के यूट्यूबर्स थे वो क्लिप्स चैनल्स, मैंने नोटिस करा था मिनी मिंटर ने पहला बनाया था अपना मिनी मिंटर शॉर्ट्स, तो मैंने KSI को लाइक पिच किया कि आई थिंक यू शुड मेक अ क्लिप्स चैनल, आई विल रन इट, आई विल डू एवरीथिंग, मतलब थंबनेल लाइक क्लिप सारी सब मैं ढूंढ लूंगा, टाइटल वगैरह सब मैं ढूंढ लूंगा। तो उसने अकाउंट बना दिया, पासवर्ड दे दिया मुझे और बोला जो करना है कर, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट भी मैं KSI की क्लिप्स में भाई हग रहा हूँ, हैप्पी दिवाली वहाँ पे किसी को पता ही नहीं भाई क्या दिवाली, 20% 30% लोगों को समझ आ रहा है, KSI कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूँ भाई हैप्पी दिवाली, ईद मुबारक तो चलो ठीक है वहाँ समझ में आ जाता है, लेकिन जन्माष्टमी भाई कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, सब लोग लाइक ऐसे देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है।
तो उसके बाद ऐसी और के एसआई को कुछ लाइक प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो इनकरेज कर रहा है भाई, वो साइड कास्ट में मेरे बारे में बात कर रहा है कि इसने जेक पॉल की उड़ा दी. ठीक है, आई थिंक वो क्लिप नोटिस करा होगा तुमने. उसी से लाइक मेरा पहला लाइक वो उसने मेंशन किया था मेरे को, के एसआई ने मेंशन किया था मेरे को अपनी रेडिट वीडियो में. ये बात है अर्ली लास्ट ईयर, जनवरी फरवरी की बात है. तो उसने मेरा ट्विटर शो करा अपनी वीडियो में. उस टाइम मेरा फेस नहीं था ट्विटर पे, एक बिल्ली की फोटो लगा रखी थी मैंने. ठीक है, तो अब मेरा था कि इसने मेरे को मेंशन कर दिया है, लाइक लाइक 2-3-4 हज़ार फॉलोअर्स उससे ही आ गए थे मेरे को ट्विटर से. लाइक तो मैंने सोचा लाइक आई शुड डू यूट्यूब, मुझे बिकॉज द थिंग इज मेरे को है ना काफ़ी टाइम से यूट्यूब करना था. मैं 12th में एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसको बोला था कि भाई मुझे यूट्यूब करना है. वो भाई भोसड़ी का हंस के मेरे पे भग गया. यू गाइस जस्ट वॉच द क्लिप फ्रॉम द अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट एंड देयर्स टू मेनी ऑफ दीस क्लिप्स. देयर्स वन हियर, देयर्स वन हियर. क्लिक ऑन व्हिचएवर यू लाइक. आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस. क्लिक लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू सी मोर ऑफ दीस क्लिप्स.